इसका उम्र कितना है? इस टेन मेरे को ऐसे उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा मालूम है, न्यूट्रल करना पड़ेगा इसको, करना जरूरी है। हाँ डॉक्टर, मैं नहीं चाहती कि ये मतलब चुनचुन के उससे चेंज हो जाएगा। अब नाउ यू डिसाइड डॉक्टर, व्हाट्स गुड फॉर हर, यू डिसाइड। न्यूट्रल एब्सोल्युटली, दिस इज बैड फॉर हर। सुबह देखो इसको, सुबह सुबह क्या हो, नौटंकी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं तैयार हूँ और यहाँ पे सबकी गुंडागर्दी चल रही है। चेरू मेरा बहुत नौटंकी कर रहा था, फिर उसको नहला दिया गया, तो अभी शांत आराम से बैठी है और आज सुबह से ही बोलने लग गई है कि मुझे लेके चलो नीचे, लेकिन इसको उसके बदले में नहला दिया गया। तो अभी शांत तो बैठी है यार, दो दो बार लेके जाती है, शाम को दो बार जाते हैं, मतलब एक बार शाम को जाना ही है और फिर रात को भी बोलती है एक बार लेके चलो खेलने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब इस एज में अगर ये बोल रही है कि मेरे को खेलना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज एनीवेज इनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, कहां है मेरा कैंडू, कैंडू बेबी की भी और चेरी की भी, आज दोनों की अपॉइंटमेंट है। कैंडी को एज यूजुअल मुझे दिखाना है, अभी भी काफी बेटर है लेकिन अभी भी जो ब्लड और मिल्क है वो स्टॉप नहीं हुआ है, डॉक्टर ने दवाइयां भी चेंज की थी, तो आज दिखाएंगे डॉक्टर क्या बोलते हैं। चेरी के बाकी सारे टेस्ट हैं क्योंकि चेरी की सर्जरी होनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके यहाँ पे मास निकल आया है तो उसकी सर्जरी होनी है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, तो वही मैं दिखाने जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अभी थोड़ा टाइम है, कॉफी वॉफी पीऊंगी। अविनाश का फोन आया नहीं है अभी तक, वो अपना शूटिंग वगैरह में या तो लेट हुआ है या जल्दी चला गया है, कुछ तो हुआ है जो अभी तक फोन नहीं आया है, तो मैं जब तक कॉफी वॉफी बनाती हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। हाँ तो क्या, क्यों रोना क्यों है इतना, चलो 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 चलो। मैं जी इनको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, रास्ते में पहले अपने फ्रेंड को मैं पिकअप करूंगी, उसका वेट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो बीच में चाबक से वेट करूंगी, उसके बाद हम दोनों आगे जाएंगे क्योंकि अकेले मुझे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पागल की बच्ची, आप नहीं आ सकते बेटा, आप नहीं आ सकते, आपको नहीं ले जाना, चलो। इसको ना पीछे कुछ भी हो रही है, ये देख इसको लेना भैया बहुत मुश्किल है, पता है चुनचुन भी नीचे तक आई है, उसके बाद उसको वापस ले जाए। उतार रही हूँ चेरी, उतार रही हूँ, पागल की बच्ची, चलो ना कर लो कर लो। This one is 10 years old. Oh, is it? Hi, darling. That's a Shih Tzu, right? How old is he? आपको बहुत बुरा, इसे नाम आज मत कर, अभी भी इसका लड़ाई। चलो अभी आपने जो मेडिसिन बोली थी वो पूरा कोर्स भी खत्म हो गया, उसमें वो भी खत्म हो गई। खेलना कूदना कम होता है, वैसे भी 10 साल की है तो खेलना कूदना ऑटोमेटिक, खेलना कूदना तो वैसे भी नहीं है इसका बिल्कुल भी, लेकिन इसका तो कब का हम लोग करा चुके हैं। ये चेरी तो खेलने के लिए आज भी बोलती है, भाग नहीं पाती लेकिन भागना है उसको। अब नाउ यू डिसाइड डॉक्टर, व्हाट्स गुड फॉर हर, यू डिसाइड। न्यूट्रल एब्सोल्युटली, दिस इज बैड फॉर हर।
क्योंकि ये इन्फेक्शन इतना तकलीफ दे रहा है ना उसको, बेचारे को दर्द कर रहा है हर 3 महीने 6 महीने में। हाँ, ये एवरी 6 मंथ्स ये प्रॉब्लम तो हो रही है। जस्ट न्यूट्रल कब करना है बताओ? आप इसका ये देख लो, उन्होंने क्या टेस्ट करने के लिए बोले है आईज के लिए, तो एक गाबा न्यूरॉन दे रही हूँ, एक गाबा पेंटिन दे रही हूँ उसको, तो ही ये चल पाती है। डॉक्टर मैं कैसे हैंडल करूंगी दोनों की सर्जरी होगी तो? मतलब टेस्ट अभी नहीं करने, आज नहीं करना कुछ भी, कुछ वो हार्ट वगैरह के भी टेस्ट बोले हुए हैं, कर देते हैं। तो अगर वो करके रख लें कम से कम एक चीज तो रेडी हो ना हम लोग। तो ये कंफर्म हो गया है कि चेरी की भी सर्जरी, जो कि आंख का वो क्या मसला सा निकला हुआ है, उसकी भी सर्जरी होगी। कैंडी की भी सर्जरी, कैंडी को न्यूटर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन उसका इन्फेक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो इससे बेटर है कि इसको न्यूटर कर दें, लेकिन न्यूटर करने के साथ साथ डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका वेट गेन होने के बहुत चांसेस हैं, तो वो बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी खाने का इतना सब देते हैं, अब उसके बाद कितना दे डॉक्टर? क्वांटिफिकेशन बहुत गलत है, खाने के लिए आपको मेजर करना पड़ेगा। यू नीड टू टेल मी इन ग्राम्स, इतना सा हर एक का इतना इतना अलग होगा, तो कोई ना कोई तो स्केल होना चाहिए। और फलों का जो खर्चा आएगा ना, इससे ज्यादा मैं खुद की सर्जरी करा लूं। आई लव यू को तो मां से चेंज लो, पैसा कमाया आप छोटा सा वेज कमा, पानी कितना जा रहा है। डॉक्टर बोला कुछ कम कर दो, गरीबी की गुर्बत जो है ना और भारी पड़ रहा है, उसको पाल रहा है। आंख चली जाती है, टैबलेट से कितना चक्कर चले आते हैं हम, हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे पे पैसा कम खर्च हो रहा है, कम करना पड़ेगा। चलेगा अंडरस्टैंड डॉक्टर, हिंदी मतलब हिंदी अच्छी समझेंगे लोग। अब आप हिंदी में बताओ प्लीज, किसी भी कुत्ते के बाल मत काटिए, बालों की जरूरत कुत्ते को सबसे ज्यादा होती है, हमारे जैसे उनको गर्मी नहीं होती है। ये बाल उसके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बाल उसकी स्किन को ठंडा रखते हैं, ये बाल उसकी प्रोटेक्शन जो स्पेशली ट्रॉपिक में इंफ्रारेड रेडिएशन से होती है वो प्रोटेक्ट करते हैं, सनबर्न अवॉइड करते हैं, पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं। मैं जब भी ये शेव किया हुआ कुत्ता देखता हूँ या बाल कटा हुआ कुत्ता, बड़ी डांट पड़ती है, बड़ी डांट तो मेरे को सच्ची मेरी जान ही निकल जाती है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे को कोई थोड़ी ऐसी लेवल पे लेके जाए और सनबर्न होने लगे तो कैसा लगेगा। पता लास्ट टाइम डॉक्टर मैंने बोला ट्रिम करो इसके बाल, सुंदर दिखे ट्रिम कर दो, ज्यादा इतने ही रखो, वो गाय बना के चले गए उसको, गाय लग रहा था मेरा कुत्ता। अगर हो सकता है तो ये बाल नहीं काटे तो नहीं काटे, दिन में एक या दो बार कंघी लगाना, कंघी लगाना इतना बेहतरीन मेडिटेशन है, अमेजिंग फीलिंग आता है। लंबे बाल के ऊपर कंघी, जो सिल्की कोट होता है उसके ऊपर कंघी लगाते जाओ, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। डॉक्टर मैं अपने बालों में कंघी नहीं करती, वही है ना, या तो कुत्ते की कर लो या कर लो। तुम्हारा जब भी शूट रहता है ना, हेयर ड्रेसर से लेके बाल झमेले सब आपके वैसे निकल गए, तो यू हैव गॉट एवरी ऑप्शन। उनके लिए तो कोई नहीं, उनकी हेयर ड्रेसर तो आपको करते हैं डॉक्टर, मैं अपनी कंघी नहीं करती, इसकी करती हूँ आराम से। दोस्तों चेरी के कुछ ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, 15 लोगों ने चेरी को पकड़ा हुआ है। अभी चेरी के हार्ट का टेस्ट हो रहा है, बिकॉज कोई भी सर्जरी करने से पहले अभी कैंडी की चेरी की एज है, इसलिए ये चेक होना बहुत जरूरी है, तो ये चेक हो रहा है। इसका बीपी चेक हो रहा है, कितना क्यूट है ये बीपी मशीन। चेरी का बीपी चेक हो रहा है, हाँ मम्मा यही है, चेरी मम्मा यही है। परेशान मत होना, उसमें क्या परेशान होने वाले, ऐसी बात नहीं है कुछ। ओके 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 ओके, तो अभी इसका 2D एको हो रहा है, हार्ट चेक हो रहा है चेरी का, ताकि ये पता लग जाए कि अगर सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया ये ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। इतना तो कुछ हुआ नहीं है चेरी, जितना की तो हाफ रही हो, ठीक है। वही मिक्स्ड कुत्ता लिया है ना, हाइपर है, कहा था मॉल्टी है, मॉल्टी के पैसे लेके बाल्टी दे दी हमें, बाल्टी है सच्ची, सच्ची बाल्टी तो है डॉक्टर। चल सो जा, चल बेटा ले जा। कितना ड्रामा चल रहा है देख जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या क्या लोग करवा रहे हैं, मुझे को गद्दे पे सुलाया है फिर भी भीगा रहे हैं नीचे से होली के रंग। ये होली तो खत्म हो चुकी है, क्या कर रहे हो, गुब्बारे मार रहे हो नीचे से। उसके साथ तो वो कांप रहे हैं।
सिर्फ चेकिंग ही हो रही है, ना ही किसी ने इंजेक्शन दिया है, ना ही ना किसी ने आपकी पिटाई की है, फिर भी आपका रोना चालू हो बेटा। इस तरह से नहीं होता ना, माँ का खून ना पियो। बिल्कुल आप ठीक हो, इस उम्र में भी एकदम तंदुरुस्त हो, खुश रहो। डॉक्टर ने कहा था आप बाहर चले जाओ तो ये शांत हो जाएगी, वो आप पे से बाहर हो गई है। 15,000 का फटका लग गया। 15,000 के फटके के बाद ना मेरी कॉफी के लिए पैसे बचे, घबराहट हो रही। डॉक्टर आपको क्या लगता है ये बच्चों खर्चा बड़ा कराते हो तुम माँ बाप का? तो दोस्तों जितनी डाइट पे मेरे को अपना पैसा खर्चना था वो मेरे कुत्ते ही खा गए। सोचा था अपने ऊपर कुछ खर्चा करूंगी, कुछ लूंगी, श्रृंगार रसम का क्या होता है, कौन क्या कहते हैं उसको, श्रृंगार रहस्य, श्रृंगार हास्य, श्रृंगार क्या कहते हैं उसको, श्रृंगार कहते हैं उसको। रोको भैया रोको, पता ही था बदतमीज ना हो तो कुत्ता देख के भाग गया। तो दोस्तों मैंने बच्चों को छोड़ दिया तो मेरा दोस्त ही ब्लॉगिंग कर रहा है। अब मुझे कुछ सामान खरीदना है घर का ही, मतलब कुछ सब्जी भाजी खरीदनी है वो खरीदूंगी, उसके बाद मैं कॉफी पीऊंगी, उसके बाद मैं अपने वर्कआउट के लिए निकलूंगी। तो ये काम करते हुए अब मैं वापस आऊंगी। पैसे तो देखो फूक चुके मेरे, बच्चों कर दिया उरले पास, मैं जा रही हूँ इरले पास। अभी आपसे थोड़ी देर में दोबारा वार्तालाप होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चार बाजार आ रही हूँ, आ चुकी हूँ दोस्तों। अब करेंगे थोड़ी बहुत नन्नी मुन्नी शॉपिंग और फिर निकलेंगे हम लोग अगले खड़ाऊ पे। जी मैं घर पहुंच गई हूँ और अमिता सामने आ गई है। अमिता को सामान पकड़ाऊंगी ग्रोसरी का और मैं निकल जाऊंगी सीधा वॉक के लिए। अब सीधा आपको इसके बाद वॉक पे मिलती हूँ। हटे हो ना भैया, क्या हो गया? हाँ ले ले, जल्दी आ गई थी क्या? ले ले सामान, पीछे डिक्की में ही है। क्योंकि मैं गाड़ी में ही शूज लेके आई थी, इधर से ही पहन के और गार्डन में निकल जाऊंगी। फाइनली मैं एक्सरसाइज करके निकल गई हूँ। आज सिर्फ वॉक का दिन था तो वॉक ही करी है। और मैं बता दूँ आज की वॉक मेरे लिए बहुत ही टफ थी। मतलब आज पैर में ना, इस वाले पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इतना दर्द उठा है, दो डॉक्टर की दवाइयाँ वाइयाँ सब खा रही हूँ लेकिन दर्द तो देखो उठा है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने कहा जितना हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा उससे ज़्यादा करूँगी। और इनफैक्ट मैंने 5 राउंड सोच के आई थी, मैंने 11 राउंड्स लिए हैं। तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एटलीस्ट मैंने अपने आप को पुश किया। प्रॉब्लम में भी जब आपने आपको पुश करते हो ना तो आई एम श्योर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं अपने आपको पुश जितना हो सकेगा मैं करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस जो रिदम को बना के रखूँ ताकि मुझे रिजल्ट्स मिले। लेट्स सी, मिलती हूँ आपको घर पे। चलो 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 च